हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म की शुरुआत एक प्लेन हाईजैक सीक्वेंस के साथ होती है। इस वक्त टास्क फोर्स का कमांडर अरुण कटियाल यानी मूवी का हीरो भी प्लेन में मौजूद है, मगर वो इस हाईजैक को कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। इस सस्पेंड का योद्धा की पर्सनल लाइफ पर भी असर पड़ता है। कई घटनाओं के साथ कहानी आगे बढ़ती है। क्या योद्धा को प्रूव करने का एक मौका मिलेगा? एक बार फिर प्लेन हाईजैक हो जाता है और ये इत्तेफाक है या प्लान? अरुण कटियाल इस बार भी प्लेन में मौजूद है। अब आगे क्या होगा? कंफ्यूजन काफी ज्यादा है। अरुण कटियाल फिल्म के हीरो है या विलन? प्लेन का हाईजैकर यही तो नहीं, इंडिया और पाकिस्तान की पीस मीटिंग का क्या हुआ? काफी सारे सवाल। इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी। शेरशाह के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा का इंटेंस अवतार लोगों को पसंद आएगा। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस काफी दमदार है। योद्धा राशि खन्ना की फर्स्ट हिंदी मूवी है। इन्होंने काफी बेहतर काम किया है। दिशा पाटनी ने कम स्क्रीन स्पेस मिलने के बावजूद आउटस्टैंडिंग स्क्रीन प्रेजेंस दी है। इस फिल्म का डायरेक्शन सागर आमरे और पुष्कर ओझा ने किया है। फर्स्ट फिल्म के हिसाब से इनका काम अच्छा है। फिल्म के दो गाने किस्मत बदल दी और तिरंगा सिक्वेंस के साथ पर्दे पर अच्छे लगते हैं। योद्धा के एक्शन सिक्वेंस और सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग इस फिल्म के सबसे बड़े प्लस पॉइंट होंगे। स्क्रीन प्ले सो है। एक दो जगह आप कैंटीन जा सकते हैं। ओवरऑल आजकल फिल्में हाई VFX और हाई टेक्नोलॉजी के साथ बड़े स्केल पर बनने लगी है। बाकी योद्धा के लिए आप खुद सोच लीजिए। फिल्म योद्धा के लिए आपका डिसीजन क्या है, कमेंट करके बताइए।